दोस्तों हमने अपने चैनल पे गौरव सर पे 3-पार्ट सीरीज निकाली थी जो कि उनके बुक से ली गई रियल लाइफ इवेंट्स पे थी। उसके बाद हम एक स्पिन ऑफ वीडियो भी लाए थे जिसमें बुक में से बची हुई काफी केसेस में से 2 केसेस को हमने एक्सप्लेन किया था, और आज की वीडियो भी एक स्पिन ऑफ की तरह ही है जो कि उसी बुक से उठाई गई 2 और केसेस को बताएगी। ये वीडियो मैं पब्लिक डिमांड पे ला रहा हूँ क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि और भी वीडियोस लाओ, और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी महीने में लाइक 1 बार ऐसे वीडियोस लेकर आऊं। तो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो ये बात दिसंबर 2015 की है जब गौरव तिवारी खुद किसी पर्सनल केस पे काम करने के लिए गए हुए थे। एक शाम आईपीएस को मुंबई से फोन आता है जहां एक बूढ़ी औरत उन्हें अपने पुराने घर में हो रही कुछ अजीब घटनाओं का आकलन करने के लिए बुलाती है। अब गौरव का इतनी जल्दी तो वहां आ पाना संभव नहीं था, अतः सिद्धार्थ और मेघना ने खुद इस सिलसिले में मुंबई जाने का फैसला किया। उस वक्त उन्हें मालूम नहीं था कि ये फैसला उन्हें कितना भारी पड़ने वाला था। अब तक शाम के 8 बज चुके थे और मेघना, रित और सिद्धार्थ लोकेशन पे पहुंचते हैं। ये अपार्टमेंट काफी पुराना लग रहा था, मानो 90s के समय से यहाँ खड़ा हो। मेघना बताती है कि घर के अंदर दाखिल होते हुए उन्हें काफी नकारात्मक शक्तियां महसूस हो रही थी। बिल्डिंग में नीचे के सारे फ्लोर्स खाली थे जहां सिर्फ सदियों पुराना सामान रखा हुआ था। यहां बच्चे अक्सर पुराना सामान उठाने चले आते थे और फैमिली ऊपर के फ्लोर पे रहती थी। ये परिवार मिसेस पवार का था जिन्होंने आईपीएस से कॉन्टेक्ट किया था। उनके अलावा फैमिली में उनका बेटा अंकित, उसकी बीवी और उनका एक छोटा बेटा भी था। फर्स्ट कांटेक्ट के बारे में पूछने पे मिसेस पवार बताती हैं कि जब से उनके पति का देहांत कुछ साल पहले हुआ है तब से आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है, लेकिन कुछ दिन पहले से घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ये कहते हुए मिसेस पवार कुछ दिन पहले की बात बताती हैं। तो उस दिन अंकित देर रात तक जगा हुआ था और टीवी पे कुछ देख रहा था। उसने अपना लैपटॉप पास ही डाइनिंग टेबल पे रखा था, लेकिन सोने जाते वक्त उसे उसका लैपटॉप कहीं दिखाई नहीं देता। अंकित इस बात से काफी शॉक्ड हो जाता है और घर में हर जगह लैपटॉप ढूंढने लगता है, लेकिन ये लैपटॉप कुछ देर बाद खुद ब खुद डाइनिंग टेबल पे प्रकट हो गया, मानो किसी ने उसे गायब किया हो एंड देन रख दिया हो। यही नहीं, आने वाले दिनों में ऐसे ही घर में कई चीजें होने लग जाती हैं, जैसे कभी गाड़ी की चाबियां गाड़ी के अंदर ही मिल रही थी तो कभी कोई और सामान गायब होके कहीं और प्रकट हो रहा था। ये सुनकर रित मिसेस पवार को बताता है कि आत्माएं अक्सर अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए अपॉर्शन और एस्पॉर्शन तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। अपॉर्शन का मतलब होता है चीजों का गायब हो जाना और एस्पॉर्शन का मतलब है वापस दिखाई देने लगना। यहां आईपीएस में मिसेस पवार से पूछते हैं कि क्या कुछ अजीब हाल ही में हुआ है जिस वजह से ऐसी घटनाएं बढ़ गई हो। इस पर मिसेस पवार बताती हैं कि अंकित ने हाल ही में घर को बेचने का फैसला किया है और तभी से ये घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। हद तो तब हो गई जब एक रात अंकित की नींद अचानक खुली और जब वो किचन में पानी पीने गया तब उसके पिता की तस्वीर दीवार से नीचे गिर पड़ी, जबकि वहां कोई हवा नहीं चल रही थी, न ही वहां कोई था। कुछ देर बाद वहां अंकित भी आ जाता है और वो टीम को बताता है कि उस सुबह एक रियल स्टेट एजेंट उनके घर को देखने आया था, लेकिन उस एजेंट के घर में आते ही मानो कोई तूफान सा आ गया हो। घर के लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लग गए और उन्हें किसी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। इस घटना के बाद तो एजेंट उनके घर से तुरंत चला गया और अंकित को अपने बीवी बच्चे को भी नागपुर भेजना पड़ा। इस बारे में मेघना उन्हें बताती है कि ये एक तरह का ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन है जो अक्सर प्रेत आत्माएं अपनी बात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब तक आईपीएस की टीम घर के अंदर की एनर्जी को काफी अच्छी तरह फील कर पा रही थी और इस बार गौरव सर भी उनके साथ नहीं थे। स्टिल मेघना खुद बताती है कि उन्हें अचानक काफी एंग्जायटी और सर दर्द महसूस हो रहा था। उन्हें लगा कि ये थकान के कारण है, लेकिन सच का उन्हें अंदाजा भी नहीं था। तो एज यूजुअल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए टीम ने हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया, जैसे कि ड्राइंग रूम, किचन और अंकित के कमरे में ईएमएफ मीटर सेट कर दिए। मेघना कहती है कि यदि यहां कोई आत्मा मौजूद है तो ईएमएफ मीटर के लेफ्ट लाइट को जलाकर दिखाए, और होता भी ऐसा ही है। ईएमएफ की लाइट अचानक जल उठती है और तो और पूरे घर में अचानक बिजली फ्लक्चुएट करने लगती है। उस वक्त कमरे में बहुत तेज बदबू भी आने लगी थी और सिद्धार्थ तुरंत ईवीपी को ऑन करते हैं और पूछते हैं कि यदि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो साफ साफ बताइए। इसके बाद मेघना ने अपना कैमरा उठा लिया और फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ पर किसी ने जोर से धक्का दिया और कैमरा उनके हाथ से छूट गया। इसी के साथ वो बदबू भी बंद हो गई। बाद में जब उन्होंने ईवीएफ को ऑन करके सुना तब किसी भारी आवाज में रिकॉर्ड हुआ था, इस घर को मत बेचो। मेघना और बाकी टीम ने अंकित और उसके परिवार से पूछा कि यह घर उनके पहले किसके नाम पर था। मिसेस पवार कहती हैं कि घर उनके पति का ही था। यह मकान मिस्टर पवार यानी अंकित के पिता ने बहुत मुश्किलों से बनवाया था और मरने के पहले भी उन्होंने अपने परिवार से कहा था कि चाहे जो भी हो जाए ये घर कभी मत बेचना, मैं अभी यहीं रहूंगा और तुम सबका ध्यान रखूंगा। तो इस घटना के बाद मेघना और बाकी की टीम वापस घर लौट आई, लेकिन असली गतिविधियां उसके बाद ही शुरू हुई। मेघना की तबीयत काफी खराब
होने लगी और सिद्धार्थ के घर में भी उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगा। सिद्धार्थ की माँ को उनके पीछे एक औरत की आवाज सुनाई दी और उनके कमरे में अलमारी अपने आप खुलने बंद होने लगी। सिद्धार्थ ने वहां तुरंत एक ईवीपी सेशन किया और उन्हें मालूम हुआ कि कोई आत्मा मुंबई वाले उस घर से उनके साथ यहां तक आ गई है। वहीं मेघना को भी कैमरे में एक डेविल जैसी शक्ल दिखाई दी। जब इस बारे में उन्होंने गौरव को बताया तो गौरव ने उन्हें तुरंत क्लिंजिंग करवाने को कहा। अब तक मेघना की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी थी और ये दोनों अगले दिन वापस उसी घर में गए जहां अंकित ने बताया था कि उनके जाने के बाद उन्होंने कुछ पूजा वगैरह करवाया जिससे घर में शांति आ सके। मेघना और सिद्धार्थ ने भी क्लिंजिंग रिचुअल में हिस्सा लिया और तभी उनकी हालत सही हो पाई। तो बेसिकली इस केस में क्लियरली नहीं पता चला कि वहां हो क्या रहा था, बट हाँ एक चीज क्लियर था कि कहीं ना कहीं अंकित के पिता ही ये सब कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका घर बिके। अब सिद्धार्थ तो मेघना के साथ अजीब चीजें क्यों होने लग गई? वेल, हो सकता है क्योंकि वो लोग क्लिंजिंग वगैरह करने की कोशिश में थे, इसीलिए उनके साथ भी अजीब चीजें होने लगी। बेसिकली आत्मा ने ऐसा किया, बट इन द एंड सब कुछ ठीक हुआ, विच इज अ गुड थिंग। अब जब हम रिचुअल्स और रियल घोस्ट एक्सपीरियंस की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको कुकू एफएम पे हॉरर फाइल्स कहानी रिकमेंड करूंगा, जहां जयपाल को पता लगता है कि उसके घर पे जो भी उसके दोस्त आए हैं वो सब एक्चुअली में मर चुके हैं। तो क्या ऐसे में जयपाल अपने दोस्तों को कन्फ्रंट करेगा और क्या वो खुद बच पाएगा? सुनिए कुकू एफएम पे। देखो 26th को हमारा रिपब्लिक डे था और ऐसे में कुकू एफएम लेकर आया है रिपब्लिक डे सेल, जहां आपको पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 60% ऑफ मिलेगा, यानी कि 99 रुपीज की जगह सिर्फ 39 रुपीज में। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त एक कोड यूज करना होगा जो कि है freedom60। जी हाँ, बस ध्यान रहे कि ये ऑफर सिर्फ 26th से लेकर 29th तक है, तो आज 28th है तो बहुत कम समय बचा है, तो देर मत करो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो, कुकू एफएम को डाउनलोड करो और वहां freedom60 कोड जरूर यूज करना ताकि पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको मिल सके 60% ऑफ, यानी सिर्फ 39 रुपीज में। हैप्पी लिसनिंग। काली अंधेरी रात में मुकेश मिल का किला किसी भूत बंगले जैसा लगता है। लोगों को कई बार यहाँ किसी अजीब आकृति की प्रेजेंस महसूस होती है और कई बार बालकनी में लोगों ने किसी औरत को रोते हुए सुना है। कभी कभी लोगों को टूटी हुई खिड़कियों के पीछे एक काली परछाई दिखाई देती है, तो कभी कभी वहां से गुजरने वालों को अपने आस पास कुछ तो महसूस होता है। कोलाबा के पास बसा एक मिल है जो कि 1870 के समय से मौजूद है। एक समय था जब इस मिल को असली बॉम्बे का सूचक बताया जाता था, लेकिन आज ये एक हॉन्टेड हेल हाउस के रूप में प्रसिद्ध है। पुराने जमाने में शिप्स अपना सामान उतारने आया करते थे और इस मिल को मुजली बाई मलवानी नाम के शख्स ने बनवाया था। फिर 1982 में यहाँ एक भीषण आग लग गई जिसके बाद काम करने वाले कई मजदूर मारे गए। आग का असली कारण आज तक कोई नहीं जान पाया है। तो काफी समय तक ये मिल बंद रहा, लेकिन फिर 2007 में एक फिल्म मेकर की नजर इस लोकेशन पे पड़ी और उन्होंने यहाँ एक हॉरर फिल्म शूट करने का फैसला लिया। इसी दौरान एक्ट्रेस रीमा से कॉन्टेक्ट किया गया और यहाँ एक फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन शूटिंग के दौरान रीमा अचानक बहुत अलग बिहेव करने लगी। उन्होंने डायरेक्टर और बाकी क्रू को चिल्लाकर यहां से निकल जाने को कहा और उनकी आंखें लाल पड़ गई। पहले तो सभी को लगा कि रीमा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अचानक उनकी आवाज किसी मर्द जैसी आने लगी और तो और वो बहुत भयानक रूप से चिल्ला उठी। कुछ देर बाद जब वो अपने आपे में आई तो उन्हें पिछला कुछ भी याद नहीं था। यही नहीं, यहां काम करने वाले एक आदमी दुबे ने बताया कि कुछ समय पहले एक और फिल्म मेकर यहां एक बच्ची के साथ शूटिंग कर रहा था। बच्ची को एक जगह बैठने को कहा गया, लेकिन जब कुछ समय बाद सभी लोगों ने देखा तो वो लड़की गायब थी। किसी टीम मेंबर ने उसे ढूंढा और वो शूटिंग लोकेशन से काफी दूर मिली। पूछने पे उस लड़की ने बताया कि उसे सफेद हैट पहना एक आदमी ले गया था। डायरेक्टर और बाकी लोग उसे वापस ले गए, लेकिन उस लड़की का शरीर तब तक अकड़ने लगा था। वो बहुत जोर जोर से अपने हाथ पैर मारने लगी मानो किसी ने उसे पकड़ रखा हो, और तो और वो किसी दूसरे ही भाषा में बात करने लग गई थी। इस घटना के बाद फिर मुकेश मिल्स में किसी ने शूटिंग करने की कोशिश नहीं की थी। तो ऐसी ही कई घटनाओं के होने के बाद गौरव अपनी टीम के साथ मिल्स को इन्वेस्टिगेट करने आए। यहाँ पहुंचने पर भी उन्हें बताया गया कि ठीक पिछली ही रात किसी को अंदर से गाना बजने की आवाज सुनाई दे रही थी, जबकि अंदर कोई भी नहीं था। इनफैक्ट अंदर वहां कोई होता भी नहीं है। आज गौरव के साथ सिद्धार्थ, दुबे और एक न्यूज रिपोर्टर भी यहाँ मौजूद थे। मिल्स में पहुंचे अब तक 1 घंटा हो चुका था और घड़ी में बज चुके थे रात के 10, मगर कोई भी गतिविधियां महसूस नहीं हुई थी। गौरव और सिद्धार्थ अंधेरे में टॉर्च जलाकर बैठे थे जब उन्हें दूसरी तरफ से एक टॉर्च जलती बुझती दिखाई दी। गौरव को लगा कि शायद ये कोई नाइट गार्ड रहा होगा, लेकिन पास पहुंचकर इस एंटिटी के आसपास ईएमएफ मीटर स्पाइक करने लगा और ठंड बढ़ने लगी। गौरव ने देखा कि कोई आदमी गहरे रंग का शॉल ओढ़े उनके सामने खड़ा है। जब उन्होंने उसे
उससे बात करनी चाहिए तो ये आदमी गायब हो गया और टॉर्च जमीन पे गिर पड़ा। इससे पहले कि गौरव कुछ समझ पाते पीछे से दुबे की आवाज आती है। दुबे बहुत दर्द में लग रहे थे, मानो कोई उनका गला घोट रहा हो। गौरव और बाकी सब किसी तरह उन्हें शांत करने में लग गए। वहीं दूसरी तरफ रॉब को किसी तरह के जानवर की आवाज सुनाई देती है। उन्होंने बाकी लोगों से पूछा, लेकिन इस वक्त यहाँ किसी जानवर का होना लगभग नामुमकिन था। रॉब बिल्कुल गंभीर हो गया और ईवीपी ऑन करके इस एंटिटी से पूछा कि तुम कौन हो। वो इस एंटिटी के होने का सबूत भी मांगने लगा और ये सुनते ही वहां माहौल बहुत ठंडा पड़ने लगा और सभी को लगा मानो कोई हवा का झोंका उन्हें छू कर गुजरा हो। इसके बाद रॉब ने पूछा कि यदि तुम कोई फीमेल आत्मा हो तो दो बार ईवीपी का बटन दबाओ, वरना एक बार। तभी ईवीपी से भी एक बीप की आवाज आई और इस आत्मा ने उन्हें बताया कि उसका यहां कत्ल किया गया था। नाउ रात के 1 बजे दुबे फिर से गायब हो चुका था और गौरव और उनकी टीम उन्हें ढूंढने में लग गई। तब तक वहां तेज बारिश और तूफान आ चुका था और कुछ देर बाद दुबे खुद गौरव को ढूंढते हुए उनके पास आए। गौरव उन्हें बाहर से आता देख काफी सरप्राइज हो गए और उन्होंने पूछा कि वो कैसे फील कर रहे हैं, लेकिन दुबे का जवाब सुन उनके होश उड़ गए। दुबे का कहना था कि इतनी देर से तो वो गौरव के साथ था ही नहीं, मतलब वो एंटिटी और वो पोजीशन जो गौरव उनकी टीम ने कुछ देर पहले महसूस किया था वो दुबे की नहीं बल्कि किसी ऐसे आत्मा की थी जिसने दुबे का रूप लिया था। इस घटना के बाद गौरव समझ चुके थे कि उनका यहां रहना खतरे से खाली नहीं है, अतः वो सभी को लेकर तुरंत यहां से निकल गए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जो कि ओपन रह जाते हैं, यानी कि उनका कोई एंडिंग नहीं हो पाता, उनसे कोई कॉन्क्लूजन नहीं निकल पाता। इनफैक्ट वो केसेस इतने खतरनाक होते हैं कि लोगों को वो केस छोड़कर जाना पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ केस था मुकेश मिल्स का। तो दोस्तों, ये थी दो और केसेस गौरव सर की बुक से और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अब यहां मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि कुकू एफएम पे रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, जहां फ्रीडम 60 कोड का इस्तेमाल करके पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 60% ऑफ पा सकते हैं, यानी सिर्फ 39 रुपीज में। ये ऑफर 26 से 29 जान तक ही अवेलेबल है, तो जल्दी करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।